हाय एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और अगर पीछे थोड़ी बहुत नॉइस आ रही है तो प्लीज उसको टैकल कर लेना, बिकॉज अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। सो इन्फोसिस एक डायरेक्ट हायरिंग कर रही है। अब डायरेक्ट हायरिंग कब कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मतलब इसमें कोई भी शॉर्टलिस्टिंग वगैरह नहीं होगी, सीधा मतलब यही है, बिल्कुल डायरेक्ट हायरिंग होने वाली है। सो वी आर हायरिंग फॉर फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फॉर कस्टमर सर्विस वॉइस प्रोसेस। बट वेट वेट अ सेकेंड, दो पोजीशन है। एक तो आप देख सकते हो, एक तो है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, और दूसरी एक टेक्निकल पोजीशन भी यहाँ पे है, विच इज टेक्निकल प्रोसेस स्पेशलिस्ट। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप इसमें भी इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। तो ये दो पोजीशंस आपकी बेसिकली होने वाली हैं, और डायरेक्ट ये कैसे रहने वाला है उसके बारे में हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो इंटरव्यू डेट है वो आपकी रहने वाली है वॉक इन इंटरव्यू फॉर 16th एंड 17th अक्टूबर, ठीक है। 16th और 17th, अभी ये वाली चीज़ ने अपडेट नहीं करी है, ये भी अपडेट हो जाएगी। बट जो इंटरव्यू डेट है आपकी 16th एंड 17th अक्टूबर पुणे लोकेशन में होने वाली है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 16th एंड 17th होना चाहिए, बिकॉज ये कल ही अपडेट किया गया है, ठीक है। ऊपर तो अपडेट है बट अभी अपडेट नहीं किया है, 19 आवर्स पहले ही पोस्ट करी गई है, ठीक है। सो आप देख सकते हो, तो 16th और 17th अक्टूबर को ये होने वाली है। और इसमें 0 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 4 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी है। दो पोजीशन रहने वाली है, एक तो आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूटिव और एक टेक्निकल प्रोसेस स्पेशलिस्ट। अब बेसिक रिक्वायरमेंट सारी आप पढ़ सकते हो, ये तो आपकी कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हो गई। और ये वाली जो है दूसरी वाली, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप बेसिकली सर्विस डेस्क सपोर्ट वाला काम कर रहे होगे, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट सारी मेंशन है इसमें आप क्या क्या कर रहे होगे, लाइक वीपीएन, रिमोट सपोर्ट, एक्टिव डायरेक्टरी ट्रबल शूटिंग, बिट लॉकर, एमएस टीम्स, बायोएस, इन सब पे आपको काम करने का इसमें मौका मिल रहा होगा। सो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, क्या क्या आपको लेके जाना है वो सारा यहाँ पर मेंशन है, आप एक बार पढ़ सकते हो। कैरी अ प्रिंट आउट ऑफ अपडेटेड रिज्यूम, कैरी टू फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ऑल ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट। तो ये सारे आपको कैरी करके ले जाने हैं, डायरेक्टली आप जाके पुणे वाली ऑफिस पे इंटरव्यू दे सकते हो। नेक्स्ट हायरिंग के बारे में बात करते हैं, तो विच इज फ्रॉम पेपाल। सो पेपाल इज हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इफ यू वांट टू टेक अ रेफरल यू कैन टेक अ रेफरल, जॉब लोकेशन इज बैंगलोर, इट्स अ बिग कंपनी, यू कैन अप्लाई इन दिस, और फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें रेफरल से अप्लाई करो, पेपाल की तरफ से हायरिंग रहने वाली है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम डिजाइन पैटर्न, एक्सपर्ट इन स्प्रिंग, हाइबरनेट, रेस्टफुल एपीआई सर्विसेज, ग्रेट ट्रबल शूटिंग स्किल्स, एजाइल मेथोलॉजीज वगैरह की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मेंशन करी है। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होने वाली है टिक टेक आईटी सॉल्यूशन की तरफ से, जो कि हायर कर रही है बैक एंड डेवलपर इंटर्नशिप के लिए। 10K आपका स्टाइपेंड रहने वाला है, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन रहेगा, और 3.36 टू 3.6 एलपीए का पे पैकेज रहने वाला है। रिमोट जॉब लोकेशन होने वाली है, इसमें सबसे पहले आपका एक असाइनमेंट राउंड होगा, देन आपका इंटरव्यू राउंड होगा, देन आपकी ऑनबोर्डिंग कर दी जाएगी। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इन्फिनियन की तरफ से होने वाली है, जो कि हायर कर रही है ट्रेनिंग के लिए, और स्टार्ट डेट है एज सून एज पॉसिबल। 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी है, बैंगलोर जॉब लोकेशन है। इससे कुछ लोगों को टेस्ट मेल वगैरह आ सकता है, तो एक इंपॉर्टेंट हायरिंग हो सकती है। सो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। सो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विद 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने रखी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, एबिलिटी, और ईआरपी सिस्टम पे बेसिकली आपका काम रहने वाला है। सो मतलब एसएपी, ओरेकल, इन सब में आपको काम करने को मिलेगा। पीएल एसक्यूएल में अगर आपको नॉलेज है, एसक्यूएल एक्सेल के बारे में नॉलेज है, दैट वुड बी अ प्लस। नेक्स्ट हायरिंग यहाँ पर होने वाली है फ्रेटॉन की तरफ से, जो कि फ्रंट एंड डेवलपर के लिए हायर कर रही है। 4 LPA to 15 LPA का आपका पे पैकेज रहने वाला है। 0 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मेंशन करी है। अब सारी रिक्वायरमेंट सारी यहाँ पर डिटेल में मेंशन है, विच यू कैन रीड इन द डिटेल एंड यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट हायरिंग यहाँ पे एक बहुत बड़ी हायरिंग आ रही है डेटा ईविल की तरफ से। तो देखो, पिछली वाली जो मैंने रही थी वो हो गई है क्लोज, और कुछ लोगों को आई थिंक इसमें शॉर्ट लिस्टिंग मेल वगैरह भी गई होगी, और ट्रेनी डेटाबेस के लिए, क्योंकि जब भी ये लोग हायरिंग ऐसे डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग मेल जरूर भेजते हैं। ट्रेनी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पोजीशन रहने वाली है, क्लियरली मेंशन किया है कि फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन बैंगलोर, मुंबई और हैदराबाद, 3 लोकेशन आपकी रहने वाली है। ट्रेनी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन आपकी पोस्ट रहने वाली है। अगर आपको डीबी डेटाबेस वगैरह के बारे में अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, वो मैंडेटरी है, आपको डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी वाली, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर रहने वाली है आपकी मॉर्निंग स्टार की तरफ से, जो कि एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायर कर रहे हैं, एएससी जॉब रोल के लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट सारी मेंशन है, विच यू कैन रीड इन द डिटेल। इसमें गुड प्रोग्रामिंग नॉलेज, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मेंशन करी है। नेक्स्ट रिंग अपॉर्चुनिटी आने होने वाली है कॉमिक स्टेज की तरफ से, जो कि फुल स्टैक डेवलपर के लिए हायर कर रही है। बेसिक रिक्वायरमेंट सारी मेंशन है, विच यू कैन रीड इन द डिटेल एंड यू कैन अप्लाई एज वेल। नेक्स्ट रिंग यहाँ पर सैंडवाइन की तरफ से, जो कि ट्रेनिंग्स के लिए हायर कर रही है, और इसमें भी सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर
कन्वेंशन है, बी एम ई इक्विवेलेंट डिग्री और स्क्रिप्टिंग शेल डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, ये सारी रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मेंशन की है, विच यू कैन रीड इन द डिटेल एंड अप्लाई। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्ट सेक की तरफ से होने वाली है, जो कि हायर कर रही है एसोसिएट क्लाइंट सपोर्ट इंजीनियर के लिए। अब इसमें सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेंशन है, क्लियरली मेंशन किया है नो प्रायर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, सो बैचलर्स डिग्री इन एनी बैकग्राउंड पीपल कैन अप्लाई। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट हायरिंग, बड़ी हायरिंग होने वाली है पीजर्व की तरफ से, जो कि वॉक इन ड्राइव कंडक्ट करा रही है, जिसमें आप सारी अपनी डिटेल्स वगैरह मेंशन कर सकते हो और इसमें आप सबमिट कर सकते हो फॉर्म को। सो आई विल पुटिंग आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।